अच्छा यहाँ पे देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कोई भी उसमें हेड नहीं है। इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर वाई वन के इक्वल हो मीन्स एक हेड हो, अगर उसमें एक हेड है तो उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें भी एक हेड है, उसके अलावा इसमें भी एक हेड है और इसमें भी एक हेड है, मीन्स तीन, इसमें तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जिनमें एक हेड है ओवर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3/8 आ जाएगी। ठीक है, तो हम इस y को लिख सकते हैं, y की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 है, 1 है। y की जो वैल्यूज़ हैं वो हम लिख सकते हैं 0, 1, 2 एंड 3, और इनके रेलिवेंट जो है प्रोबेबिलिटी y इज़ इक्वल टू 0 के लिए 1/8 है, इसी तरह से ये y इज़ इक्वल टू 1 के लिए ये प्रोबेबिलिटी है। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, एट द एंड हम इन सबको ऐड करके देख सकते हैं, इनका सम जो है वो हमेशा 1 के इक्वल ही होगा। ठीक है, ये देखें यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये जस्ट आपने मैथमेटिकल स्टेप्स देखने हैं, बाकी आपको इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें y इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये सब में कितने नंबर्स थे, 0, 1, 2, 3 थे, यहाँ तक ही नंबर्स थे, 0, 1 रिपीट हो रहा था, 2 भी रिपीट हो रहा था, तो हमने इसको कंबाइन करके इनकी प्रॉबिलिटीज़ को यहाँ पे मेंशन कर दी है। नेक्स्ट देखें प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। द प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको पता है ये कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल का होता है और इज़ स्पेसिफाइड बाय अ स्मूथ कर्व, और इसमें क्या आती है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस है तो ये कोई ना कोई स्मूथ कर्व देगा सच दैट द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ 1। स्मूथ कर्व है तो उसमें जो टोटल एरिया अंडर द कर्व होगा प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इन केस ऑफ प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो 1 होगा। द प्रॉबिलिटी दैट वाई फॉल्स इन एनी पर्टिकुलर इंटरवल इज़ द एरिया अंडर द कर्व अगेंस्ट द इंटरवल, मीन्स जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा जो कि कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए होगा उसमें टोटल एरिया अंडर द कर्व हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये बाकी आपके पास ये कुछ मेजरमेंट्स हैं जो कि कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल को डिनोट करती हैं, ये आप देख लेंगे। उसके बाद आता है सिंपल यूनिवेरिएट डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस। यूनिवेरिएट क्या होता है कि उसमें जस्ट एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, यूनी का मतलब एक। अगर हम इसको बाई वेरिएट कहेंगे तो इट मींस इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स। अगर हम इसको मल्टी वेरिएट कहेंगे या मल्टी वेरिएट कहेंगे तो इसको इसमें दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो जो अभी हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो हमने बनाया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, उसमें क्या है, उसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा था। अगर आप इसको देखें तो ये देखें यहाँ पे एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, इट मींस ये क्या है, ये यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। कॉन्टीन्यूस के लिए भी निकाल सकते हैं और डिस्क्रीट के लिए भी। यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट y बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड p ऑफ y बी इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, के अभी हमने जिस तरह डिफरेंट y के लिए प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट की हैं तो ये डिस्क्रीट की अगर आप बात करें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। देन p ऑफ y मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस। तो जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अगर हम किसी भी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहेंगे तो वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। पहली कौन सी है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 0 और 1 के इन बिटवीन होती हैं। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी की जो है ये वैसे भी ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा 0 से 1 के इन बिटवीन होती है, 0 भी इंक्लूड होता है 1 भी इंक्लूड होता है। उसके बाद जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी उन सबका अगर आप समिशन करेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है और ये हमेशा ये वैलिड होता है। ठीक है, इट मीन्स द समिशन ओवर द प्रोबेबिलिटीज़ फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ वाई ऑफ द रैंडम वेरिएबल शुड एड अप टू 1, मीन्स जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उन सब का सम हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, कमेटी ऑफ साइज 3 इज़ टू बी सेलेक्टेड एट रैंडम, कि हमने एक कमेटी बनानी है जिसमें तीन लोग हमने चूज़ करने हैं। सपोज़ आपकी क्लास में से हमने कमेटी बनानी है, उसमें तीन लोग हमने चूज़ करने हैं। इज़ टू बी सेलेक्टेड एट रैंडम From 3 women and 5 men, उसमें women कितनी हैं, 3 हैं।
और 5 मेन हैं। ऑब्टेन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ वीमेन सेलेक्टेड फॉर द कमेटी। अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ वीमेन की। वीमेन की तादाद कितनी है, 3 है। इसका मतलब है हम ये भी हो सकता है कि हम कोई भी वीमेन ना लें, 1 ले लें, 2 ले लें या फिर 3 ले लें, ठीक है। अगर हम कोई भी वीमेन नहीं लेते इट मीन्स मेन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो मेन कितने हैं, 5 हैं, तो 5 में से हमने 3 सेलेक्ट करने हैं, 5C3 कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। अगर हमने 3 सेलेक्ट करने हैं 5C3 ओवर टोटल आपके पास है 8C3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। अगर आपके पास 0 वीमेन है इट मीन्स वो 3 की 3 कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, हम मेन में से सिलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आपने 1 वीमेन सेलेक्ट करनी है, टोटल आपने 3 सेलेक्ट करने हैं वीमेन के लिए, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी। तो यहाँ पे सेकंड आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि यहाँ पे वीमेन में से 1 ले लें, वीमेन टोटल 3 हैं, 3 में से 1 हमने सेलेक्ट कर लिया, बाकी फिर मेन में से आएंगे क्योंकि हमने चूज तो 3 करने हैं। 5 में से रिमेनिंग 3 में से 1 हमने सेलेक्ट कर लिया, इट मीन्स 5 में से 2 हम सेलेक्ट करेंगे, ओवर टोटल यही सेम रहेगा 8 में से 3। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम सारी जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद इसको एक टेबल बना लेंगे और उसमें इसको अरेंज कर लेंगे। एक और वे क्या होता है, गिवन द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अगर आपके पास इस तरह से कोई भी फंक्शन गिवन है, आपने इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास x की ये वाली वैल्यूज़ गिवन है, अब हमें खुद से ये गैस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन x की ये वैल्यूज़ हैं और इसकी प्रोबेबिलिटीज़ ये हैं। तो यहाँ पे देखें अननोन फंक्शन x इन्वॉल्व हो रहा है, आप इसका एक टेबल बना सकते हैं, x की वैल्यूज़ लिख लें 0, 1, 2 और बाकी सारी लिख लें, यहाँ पे p ऑफ x फाइंड आउट कर लें। जब x 0 है तो यहाँ पे 0 रिप्लेस कर दें, यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे 0 रिप्लेस कर दें, तो आपके पास क्या आएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगी। फॉर x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, 4 माइनस 0 तो ये 4 ही रह जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आ गया। अब उसके बाद x इज इक्वल टू 1 के लिए सेम इसी तरह आपने इसको कैलकुलेट करना है और इसको टेबल की फॉर्म में दे देना है, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है और एट द एंड आप प्रोबेबिलिटीज़ का सम करके देखेंगे तो वो 1 के इक्वल ही आएगा। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन आ सकता है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इन टेबुलर फॉर्म इज, ये आप इसको टेबल की फॉर्म में ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल है, रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है लेकिन हमने कहा था कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब ये हमारे पास एक टेबल गिवन है जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होगा, ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे k एक अननोन टर्म इन्वॉल्व हो रही है तो हम इन सबको ऐड करेंगे और इसको 1 के इक्वल रखेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 के इक्वल होता है, और इसको रीअरेंज करके k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या हमने फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, लेस देन 2 के लिए हमने इनको ऐड कर लेना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 का क्या मतलब होता है कि इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को लेस देन 2 फाइंड आउट करनी है ना, ये सारी प्रोबेबिलिटीज ही गिवन है, लेस देन 2 आपने फाइंड आउट करनी है, तो 1, 0, -1, -2 इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को आप ऐड कर लेंगे तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर लेंगे, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे और इनको ऐड कर लेंगे, तो इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और बाकी भी इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। लेट वाई बी अ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड एफ ऑफ वाई बी इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देन एफ ऑफ वाई मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली बात कि उसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो पॉजिटिव होंगी, और सेकेंड अभी हमने डिस्क्रीट के लिए बात की थी कि समीशन p
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन होता है, सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो वन होता है, लेकिन ये कॉन्टीन्यूस की बात हो रही है तो यहाँ पे जो है ये नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात हो रही है। तो वाई की कोई भी वेरिएशन हो इसका हमेशा जो प्रोबेबिलिटी है वो वन के इक्वल आएगी, मीन्स जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जहाँ पे वाई वेरी कर रहा है उन सबका सम वन है। इट मीन्स दैट द टोटल एरिया अंडर द कर्व शुड बी वन, कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमेशा क्या होगा, वन होगा। अब अगर आपके पास ये एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वन, ये एक एग्जांपल एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वन जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, ये हमने चेक करना है कि क्या ये डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं है। इसका हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करेंगे। अगर वो एरिया अंडर द कर्व वन है तो इट मीन्स इसकी प्रॉपर्टी प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉबिलिटी के अकॉर्डिंग ये क्या है, प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इट इज़ अ डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल बिकॉज वाई टेक्स ऑल वैल्यूज बिटवीन जीरो एंड वन टू कैलकुलेट एरिया वी हैव विड्थ ऑफ रेक्टेंगल एज वन। एफ ऑफ वाई क्या है, हमारे पास वन है एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगल एज वन, और अगर आप इसकी हाइट भी देखें तो ये भी वन है, तो आपको पता है एरिया का ये फार्मूला है जो कि वन के इक्वल है। इट मीन्स ये जो एफ ऑफ वाई है ये क्या है, ये डेंसिटी फंक्शन है। उसके बाद ये देखें, अ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इट मीन्स इसका एरिया अंडर द कर्व वन के इक्वल होगा, तो इसको यूज़ करते हुए हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप खुद एक दफ़ा देखेंगे, यहाँ पे आता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लाया करती हैं जिनको हम फर्दर स्टडी करेंगे। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर दोज डिस्ट्रीब्यूशंस विच वी गेट फ्रॉम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जो हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आती हैं वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती हैं, जिस तरह बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इनको डिटेल में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स ही हैं जो कि रैंडम वेरिएबल, जिनके थ्रू हमने डिफरेंट रैंडम वेरिएबल यूज़ करते हुए रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया और फिर वेरिएबल से डिनोट किया एक्स से, फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट की। व्हेन वी टॉस टू कॉइन्स, अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो आपको पता है या तो हेड हेड आएगा या फिर दोनों दफ़ा टेल आ जाएगा या फिर एक दफ़ा हेड एक दफ़ा टेल या फिर फर्स्ट टाइम हेड और सेकेंड टाइम फर्स्ट टाइम टेल और सेकेंड टाइम हेड, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो एक्स हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स को हम अगर नंबर ऑफ हेड्स से डिनोट कर रहे हैं तो ज़ीरो हेड जो है वो इसमें है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ही एलिमेंट है तो ये वन बाय फोर, और अगर हम एक हेड के लिए कर रहे हैं तो ये दो एलिमेंट्स आते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी टू बाय फोर तीन, फिर उसके बाद दोनों हेड्स के लिए कर रहे हैं तो वो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फोर हैं तो वो वन बाय फोर। इसी तरह से हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ का जो है वो सम कर लेंगे। और ये सेकंड जो एग्जांपल है ये क्या है, डिफरेंस ऑफ नंबर्स व्हेन वी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस, एक आपने डाई थ्रो किया है उसमें जो जो पेयर ऑफ डाइस का मतलब ये है दो लूडो की डाइस आपने रोल की हैं, सपोज एक पे वन आ गया सेकंड पे सिक्स आ गया, एक पे वन आ गया सेकंड पे फाइव आ गया, कुछ भी आ गया। अब ये जो एक्स डिनोट कर रहा है ये किसको डिनोट कर रहा है, डिफरेंस ऑफ नंबर्स, इन दोनों का डिफरेंस आपने लेना है। डिफरेंस जो है वो हमारे पास जीरो से लेके सिक्स तक कुछ भी हो सकता है, फिर इनकी प्रॉबिलिटीज़ आपने लिख लेनी है और इसका समीशन करके आप चेक कर लेंगे कि ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, ये एक डेंसिटी फंक्शन है या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। नेक्स्ट, ये जिस तरह अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि इसमें जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे इसकी ये वाली वेरिएशन हम देंगे और एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एफ ऑफ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, इनको थ्रू कैलकुलेटर या वैसे सिंप्लीफाई करके एट द एंड अगर आप सम करेंगे तो ये वन के इक्वल है। हमने यहाँ पे क्या चेक करना था, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आर नॉट, अगर तो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो वन के इक्वल ना आता तो इट मींस ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं था। अब यह यहाँ पे वन के इक्वल है तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है, बॉक्स कंटेन्स फोर रेड थ्री ग्रीन बॉल्स, एक बॉक्स है उसमें
फोर रेड हैं और थ्री ग्रीन बॉल्स हैं, फोर बॉल्स आर ड्रॉन, हमने कितनी इसमें से चूज करनी है, फोर बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इसमें अगर हम देखें हैं बॉक्स कंटेन्स फोर रेड एंड थ्री ग्रीन बॉल्स, चार जो हैं वो रेड हैं और थ्री ग्रीन बॉल्स हैं, इसमें से हमने कितनी सिलेक्ट करनी है, फोर बॉल्स, चार बॉल्स हमने सेलेक्ट करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। अब देखें ग्रीन बॉल्स हैं ही थ्री और हमने टोटल कितनी सिलेक्ट करनी है, फोर सेलेक्ट करनी है, तो ग्रीन बॉल्स या तो ज़ीरो हो सकती है या वन हो सकती है या टू हो सकती है या फिर थ्री हो सकती है, क्योंकि टोटल ही ग्रीन बॉल्स थ्री हैं। अगर फोर होती तो यहाँ पे हम एक्स को फोर भी ले लेते। तो इस तरह से एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखें अगर हमारे पास x ज़ीरो हो मीन्स कोई भी ग्रीन बॉल ना हो तो थ्री में से ज़ीरो बाकी जो रिमेनिंग बॉल्स में से सारी आ जाएंगी, ओवर जो है वो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में से हमारे पास सैम्पल स्पेस की जो टोटल आउटकम्स होती हैं वो हमारे पास ओवर में उनको लिखते हैं, और इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर आप ऐड करें तो ये वन के इक्वल आता है। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी जिस तरह हमने डिस्कस किया कि इसमें एरिया अंडर द कर्व जो है वो वन के इक्वल होगा, और इसमें द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इफ़ फॉर अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एरिया की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई रेंज ऑफ वैल्यूज़ भी होगी। प्रोबेबिलिटी कैन बी फाइंड सच दैट, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व होता है जिसको हम थ्रू इंटेग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेंसिटी फंक्शन की जो है वो दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, पहली क्या है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, सेकंड क्या है एरिया अंडर द कर्व वन के इक्वल होता है, इसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। ये लास्ट बस एक एग्जांपल है इसकी, फिर वाइंड अप करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन फंक्शन इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, PDF स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये वाला जो फंक्शन है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो हमने इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है ये k जो है जब x पॉजिटिव है तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये तो रहता ही हमेशा पॉजिटिव है, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव होगा, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड क्या थी कि इसका एरिया अंडर द कर्व वन होगा, तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हमने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ले ली, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ये के ई रेज टू द पावर माइनस थ्री एक्स है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन आपको करनी आती है, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस पर अप्लाई कर देंगे, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है आपको पता है एरिया अंडर द कर्व ये हमेशा एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है, तो इसलिए हम इसको ज़ीरो टू इन्फिनिटी डील किया। उसके बाद k की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह से हम इसका एरिया जो है इन डिफरेंट वैल्यूज़ के इन बिटवीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम इसी पैटर्न पे इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह किसी भी पॉइंट्स के इन बिटवीन अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है, तो वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन